साफ सुथरी यूनिफॉर्म पर हमको ड्यूटी करना चाहिए, चाहे वो लेडीज स्टाफ हो या जेंट्स स्टाफ हो, दोनों को साफ सुथरे यूनिफॉर्म पर इस तरह ड्यूटी करना चाहिए। आपको हम बताते हैं कि फेस पंचिंग एक्सेस कंट्रोल का ये उदाहरण है। आप देखें, ये एक्सेस कंट्रोल का सबसे बेस्ट है। आप इसके अंदर जाएंगे, यदि आपका इसमें नहीं होगा तो वो रॉन्ग बता देगा, जिस तरह से मेरा रॉन्ग बता रहा है। अब हमारे सिक्योरिटी पर्सनल इसमें जाएंगे और वो लोग देखें कि उनका कैसे किस तरह से ये करता है और कैसे काम करता है। अब इस पे मैं जाऊंगा तो मुझे नहीं देगा ये, क्योंकि मेरा यहाँ पर कुछ है नहीं, तो मैं इसमें जाने की कोशिश करूँगा। तो ये देख लीजिए, ये मुझे मना कर रहा है। ये देखो, ये आए और ये बाहर गए। तो ये जब ही खुलेगा, तब जब आप बाहर जाते हो, अंदर जाते हो, इसमें सारी चीज़ें आपकी अपग्रेड होंगी। कितनी बार बाहर गया, कितनी बार अंदर आया, कितना स्पाइन बाहर किया इसने, ये सब चीज़ें इसमें अपडेट होंगी। तो ये सबसे अच्छा है कि एक्सेस कंट्रोल का बहुत ही बेस्ट। आपको फिर से दिखाऊं मैं, इसमें इस तरह सी मशीन लगी हुई है और इसका वाईफाई डाटा से कनेक्ट है और आपको जो है ये सारी चीज़ें अवगत करा रहा है। गुड मॉर्निंग सर, ये एक्सेस कंट्रोल मशीन है, इसको डिवाइस लगी हुई है, ये बाहर से आने वाले व्यक्ति का स्कैनिंग होता है। अगर उसका रजिस्ट्रेशन इसमें हो रखा है तो ये स्कैन करके डाटा को भेजेगी और परमिशन देगी अंदर जाने के लिए। अगर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रखा है तो ये परमिशन नहीं देगी अंदर जाने के लिए, खुलेगा नहीं। और जो रजिस्ट्रेशन से मतलब है कि वो कौन सी कंपनी का एम्प्लॉई है, कौन से कंपनी का एम्प्लॉई है और उसके डेस्टिनेशन, सब डाटा इसमें फीड होता है। हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ने, लक्ष्मण जी ने आपको अच्छी तरह डीपली बेसिस में बताया कि एक्सेस कंट्रोल का उदाहरण किस तरह से ये एक्सेस करता है और एम्प्लॉय को किस तरह से बाहर आते हैं और कितना कि आप देखेंगे। ये हमारे देखो, ये गए बाहर, गए अभी इनको कुछ नमकीन अगर वगैरह लेके आना था तो ये भी इसका रिकॉर्ड हो गया कि कितनी देर बाहर गए और कितनी देर अंदर आए। तो यही इसीलिए जो है हमको ये सारी चीज़ें मशीन और इसका ऊपर डाटा केबल है, ये सारा चीज़ें वाईफाई से कनेक्ट है। और यदि अनऑथराइज पर्सन, जैसे मैं हूँ अभी अनऑथराइज हूँ यहाँ के लिए, तो मेरे को ये मना कर देगा कि नहीं जाओ। अपना ये देख लीजिए, अनरजिस्टर्ड बोल रहा है, यानी कि मैं इसमें रजिस्टर्ड नहीं हूँ। तो रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मुझे ये जाने से मना कर रहा है। तो आप जो भी इसमें रजिस्टर्ड होंगे वही इसके अंदर जा सकते हैं।